और आपको दिखाता हूँ कितने जल्दी से जल्दी मैं पहुँचता हूँ। सो देख लो भाई कितना मिनट दिखा रहा है। लड़कियाँ छोटी छोटी है ना, बहुत रिस्की रहती है भाई। तो 33 माइनस 20। आज के व्लॉग में हम लोग भाई आरसी से मैप चैलेंज करने वाले हैं। सो ये रहे भाई अपनी आरसी। अभी थोड़ा रिजवान भाई के पास रह रही है। जो भी लोग बोल रहे हैं कि भाई बाइक तुम्हारे पास क्यों नहीं रह रही है, ऐसी कोई बात नहीं भाई, हमारी घर की गाड़ी है तो हम लोग शिफ्ट करते रहते हैं एक दूसरे की गाड़ी पर। अभी देखो जाने का इस मेरे को यहाँ पर, एक सेकेंड, ओके। सो यहाँ पर पहुँचना है मुझे और आपको दिखाता हूँ कितने जल्दी से जल्दी मैं पहुँचता हूँ। सो देख लो भाई कितना मिनट दिखा रहा है, 33 मिनट और 16 किलोमीटर। अभी बजे 6:53, 6:53। फटाफट निकलते हैं भाई, 7 बजे पहुंचना था एक्चुअल में मुझे। 6:53 पे भाई मैं इधर हूँ, बताओ क्या बोलूँ। मेरा दोस्त योगेश उसके साथ जाने वाला था भाई, उसने स्कैम कर दिया, फ़ोन ही नहीं उठा रहा भाई। अभी भाई कोल्ड स्टार्ट दूंगा थोड़ा सा, नहीं तो लफड़ा होएगा भाई। सो हाउ इज़ द कोल्ड स्टार्ट, थोड़ा बताओ। और आज के वीडियो में जितना हो सके मैं उतना कम बात करूँगा, बस भाई मेरे को जल्दी से जल्दी पहुंचना है। कर दिया वाइजर बंद, लेट्स गो गाइस, थोड़ा मचाते हैं। बस ये वाला रोड निकल जाए उसके बाद भाई चालू अपना तांडव। एक्चुअल में लेट हूँ ना मैं तो बहुत ज़्यादा हाइप जाने वाला हूँ, मैं जानता हूँ। जब भी लेट होता हूँ मैं बाइक ठीक से ड्राइव ही नहीं करता भाई। अबे यार रिक्शे वाले तेरी माँ की। गाइस फटाफट रोड पे निकलो यार, मैं आगे किसी चीज का वाइब्रेशन हो गया है चालू अपने आरसी में, पता नहीं कहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है। ये देखो आगे कोई बॉडी पार्ट में ही वाइब्रेट हो रहा है। स्ट्रीट ठीक है, स्ट्रीट में इतना तेज चल रहा हूं। एंड एबीएस हो गया भाई ऑफ, अब समझ लो भाई अपने बाइक हो चुके हैं नॉन एबीएस। और नॉन एबीएस थिंग में भाई तेज चलाना है। टायर ग्रिप तो अच्छी खासी मिल रही है क्योंकि भाई वो फील हो रहा है ना, टायर स्लिप नहीं हो रहे एंड टायर हो चुका है वार्म आई थिंक। ना इधर से ना, सुबह हो रही ना, रॉन्ग साइड डालेंगे बट फास्ट जाना है। आज जितना हो सके उतना कम बकबक और जितना हो सके उतना जल्दी पहुंचना है, ऐसी बात है। तो आज अगर बकबक देख सुनने को ना मिले तो सॉरी, और वैसे भी क्या ही सुनोगे तुम बकबक मेरी, बोर हो जाओगे कि आज कुछ नॉलेज नहीं, आज बस भगाने का। मेरे वाइजर पे फॉग जमा हो रहा है यार। फॉग वाला वो लगाना चाहिए मुझे लगता है, मेरे पास है फॉग वाइजर बट मैंने लगाया नहीं है। अब ठंडी हो गई चालू, मेरे ध्यान में भी नहीं है, अभी दिक्कत हो रही है थोड़ी सी राइड करने में। देखो फॉग वाइजर होता है तो कितना ज़्यादा अच्छा होता है। अरे यार
इसकी स्पीड जो इतने धरने की है ना भाई, ये 43 BHP लाइक सच में यार क्रेजी है। सिंगल सिलेंडर में 43 BHP, इट्स टोटली टू मच क्रेजी मशीन। मैं जब भी NS से शिफ्ट हो रहा हूँ ना इस पर, तो ऐसा लग रहा है कि भाई NS क्या है फिर, क्योंकि ऑब्वियसली भाई NS अपने सेगमेंट में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। होता जब 400 की बात आती है तो थोड़ा पावर बढ़ जाती है ना, तो वहाँ पे थोड़ा और मतलब वहाँ पे कम फील होता है, बस यही बात। बाकी अब NS 400 है तो 400 में अच्छी खासी पावर फील होती है, ऐसी बात है, फर्क बस इसी बात का। और ऊपर से ये BS3 है तो और भी ज़्यादा ये ब्रूटल है। सबसे बेकार बोले तो ये सिटी, जब तक ये सिटी ऑलरेडी मतलब मेरे को सिटी में जाना है, ये सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ होगी कि सिटी में इतना फास्ट कैसे जाए। देख रहा हूँ सुबह 7 बजे के आसपास का ट्रैफिक कितना ज़्यादा। इसको मोड़ना भाई थोड़ा सा मतलब हैंडलिंग बोले तो इसका टफ है यार, मोड़ना बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि पावर लगाना पड़ रहा है। RC में ऐसा नहीं होता था। बट हाँ इसमें करना पड़ रहा है। बच्चे बहुत प्यारे से हमको देखे जा रहे हैं। बताओ स्ट्रीट पे मैं 80 के आसपास 90 के आसपास चल रहा हूँ, कितना जल्दी जा सकते हो आप। ग्लव्स ये RC पे कैसे लग रहा है, क्योंकि RC का कलर थोड़ा अलग है, RC का रेड एंड ब्लैक में है नहीं, तो इसलिए ग्लव्स शायद इस पे उतने नहीं सूट कर रहे होंगे। सम ये वाला स्पेस है ना, ये वाले स्पेस में कहीं से वाइब्रेशन आ रही है, जस्ट पता करूं मैं भी कि आखिर में साला वाइब्रेशन हो कहां से रही है। मिरर्स क्यों नहीं खोल के रखे तो पूछना मत, क्योंकि भाई ये सुबह सुबह मुझे नहीं लगता कि मैं देखूंगा अभी पीछे, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी आगे जानी है भाई, मुझे पहुँचना फटाफट। देख रहे कॉन्स्टेंटली भाई मैं भगा ही रहा हूँ। 6:53 जा था ना और 33 मिनट दिखा रहा था, देखते कितना जल्दी पहुँचते। एंड मेरा RC पे पहला मैप चैलेंज था मेरा, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी मैप चैलेंज किया नहीं है ऑन RC। जल्दी जाना बोले तो पागल जैसे भगाना नहीं है। इसकी माँ का एकदम डायरेक्टली भाई बिना इंडिकेटर दिए टर्न हो रहा है इसकी, क्या बोलूँ अभी गिरा रहता पता है मैं। कितने सारे स्पीड ब्रेकर है ना, यही मेरे को सिटी में पसंद है। देखा हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद स्पीड ब्रेकर भाई क्या करने का। ये देखो एक और बस इसी चीज़ से नफरत है। एंड एक अपडेट देना चाहता था गाइज, एक अपडेट देता हूँ, अपने RC में भी हम लोग लगाने वाले हैं अब एग्जॉस्ट, सब मज़ा आने वाला है। अब भाई देखो जल्दी से जल्दी तुम लोग सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि जब भी RC में एग्जॉस्ट लगाएंगे फिर तो भाई मचाने वाले अपन लोग। ओहो ओहो रोड ख़राब था, लीन नहीं था, अच्छा मैं तो लीन किए रहता है, क्योंकि ये RC पे कॉन्फिडेंस आता है ना लीन का। इस दुनिया में भी अगर प्यार न किया तो क्या किया। इसका ABS बंद हो जाए ना तो डर ही लग रहा है भाई थोड़ा सा, क्योंकि प्रैक्टिस चले गए ना नॉन ABS बाइक चलाने के। ये लड़कियां छोटी छोटी है ना बहुत रिस्की रहती है भाई, ना आगे जाती ना पीछे जाती, रुक जाती है बीच में,
इनकी मतलब ऐसा भी नहीं कि गारंटी रहेगी कि आगे ही जाएंगे या पीछे ही जाएंगे। देखा ये बूढ़ों को, अब बोलना डिसरेस्पेक्टफुली बोल रहा है वो, उनका उनके उम्र में उनको इतना रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। मुद्दा ये है, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, उनको क्या जरूरत है सर रिक्स लेके बीच में घुसने की। वो भी इधर उधर देख भी नहीं रहे, देख रहे बस सामने, भाई निकलना है बस सामने, पीछे देखना तो है नहीं। भाई पूरा हाथ दुख रहा है, भाई पूरा हाथ इतना सा चलाया बस मैंने, कुछ ज्यादा चलाया भी नहीं है, हाथ दुखने लगा भाई। हाय हाय फोटो शूट, मेरा कोई इसको भी ना इंडिकेटर ना कुछ, कहाँ जा रहा है इसको खुद नहीं पता। आरसी अगर डेली चलाने लगूँ तो मेरी तो भाई पीठ की वाट लग जाएगी। अच्छा है भाई मैं एनएस ही ज़्यादा चला रहा हूँ, इसको कम चलाने का रीज़न ये है कि भाई ये थोड़ा पेट्रोल में भाई बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जा रही है ये बाइक, तो थोड़ा ऐसे ही कि अगर मेरे पास अभी पैसे नहीं रहे तो मेरे जॉन भाई को दे रहा हूँ कि भाई तू ही चला दर जैसे मेरे पास पैसे आए फिर अपने पास रख लूँगा, पहले पेट्रोल डालने के लिए मांगता है ना, जितना पैसा है उस हिसाब से बस एनएस का ही निकल सकता है पेट्रोल का फ्यूल, पेट्रोल का खर्चा इसका नहीं निकल पाएगा, ये इसको बहुत ज़्यादा पेट्रोल लगता है। अभी देखो आ ही रहा था, एक कांटी कम भी हो गई, कुछ ज़्यादा किलोमीटर भी आया भी नहीं हूँ। कितने बजे यार, मैं तो बस यही सोच रहा हूँ मैं जल्दी पहुँचाऊँगा, क्योंकि भाई कंटिन्यूसली मैं भगा ही रहा हूँ, अब और भी ज़्यादा भगाऊँगा क्योंकि अब यहाँ से थोड़ा सा खुला रोड मिलने वाला है अपने को। सिग्नल मिला ना भाई, भाई साहब खड्डे भी यार, अबे यार लेन नाम की कोई चीज है कि नहीं यार इसके लिए। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लेट पहुँचूँगा शायद मैं, 7 बजे से 7:15 तक, मतलब 15 मिनट आई थिंक लेट पहुँचने वाला हूँ मैं, बट देखते हैं इतना नहीं पहुँचना, जल्दी जल्दी जाने में। फाइनली सिग्नल तो मिल गया,
चल रहा हूँ अब। चल भाई अरे यार चलो जो बोलते ना गियर शिफ्टिंग। देखो भाई मैं आरसी पे भी वैसे ही करता हूँ क्या, मुझे चिंता नहीं कि अपने आरसी के क्लच प्लेट की। तुमको आना चाहिए भाई, तुम लोग बस भपारे डालते रहते हो कि तुम्हें भाई ऐसे गियर शिफ्टिंग करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला भाई साले। मैं तुमसे अच्छा मैं नॉलेज रखता हूँ अच्छी खासी बाइक का, तो ये जो कमेंट करते हैं ना भाई कि आपका क्लच प्लेट ख़राब हो जाएगा, या फिर ये भी बोलते हैं कि साले गाड़ी की माँ बहने कर रहा है ऐसे गियर मत डाल, भाई तू होता कौन है भाई बोलने वाला भाई, मेरी गाड़ी है ना। और वो यही लॉजिक नहीं समझ आता यार, एटलीस्ट तुम देखो तो उससे कुछ फ़र्क भी पड़ रहा है। मेरी गाड़ी को, मेरी गाड़ी 11,000 किलोमीटर प्लस चल गई और मैं वैसे ही गियर शिफ्ट करते आया हूँ शुरू से, और फिर भी भाई मेरे गाड़ी का क्लच प्लेट थोड़ा भी ख़राब नहीं है। ओहो 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 ओहो, तो ध्यान रखो ना भाई 11,000 किलोमीटर में मेरे को वही पिकअप मिल रहा है जो मेरे को नए में मिलता था, नए में जो पिकअप मिलता था वही अभी भी मिल रहा है, तो कुछ नहीं लगता मुझे कि चेंज हुआ भी है। ठीक है, ओ वल्लोल एक और है क्या भाई, 653, लेट्स सी कितने जल्दी पहुंचे आप। फाइनली वी हैव अराइव्ड, बस थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पे एक मिनट हम लोग कट कर देंगे क्योंकि भाई हमको प्लस हमको बस ये लोकेशन तक आना था। ठीक है, यहाँ तक येरोड़ा चौक तक, तो येरोड़ा चौक तक कितना मिनट हुआ वो चेक करेंगे, एक मिनट कट कर लेंगे खुद का क्योंकि एक मिनट ही लगेगा वहाँ तक जाने को, मैं जानता हूँ एक मिनट नहीं तो 30 सेकेंड्स। चलो भाई 30 ही कट लो, ज़्यादा नहीं, बस 30 सेकेंड्स विल बी कटेड बाय द ओनर द शेक 96। लेट्स गो, पहुंच तो गए। अरे बाप रे, वी आर फाइनली इन गांधीनगर। ज़्यादा टाइम पास ना करूँगा वहाँ पर, जल्दी से जल्दी व्लॉग एंड करूँगा क्योंकि मुझे अपना काम शुरू करना है। एंड हाँ, जिन्होंने भी मुझे पूछा था भाई तुम क्या काम करते हो, तो आई एम अ स्पोर्ट्स टीचर बट पार्ट टाइम, आई एम नॉट अ क्या बोलते स्कूल का स्पोर्ट टीचर नहीं, मैं पार्ट टाइम में रहता हूँ, तो ध्यान में रखो। लेट्स गो, अपने पीटी टीचर तो आ ही चुके हैं, सबसे पहले चेक करा तो ग्लव्स निकाल ही लिया मैंने, वो फिंगरप्रिंट का चलो छोड़ो क्योंकि अब मुझे भाई निकालना ही था। गाड़ी हो चुकी है बहुत ज़्यादा गर्म अभी फल है। ओ भाई, तो मैं बचाऊँ 7:13, 13 यहाँ के और 6 वहाँ के, 6 नहीं 9, 53 मतलब 7, 7 प्लस 13 इक्वल टू 20, 20 मिनट ठीक है, तो 33 माइनस 20, तो 13 मिनट पहले पहुंच गए भाई। तुम्हारा भाई 13 मिनट पहले पहुंच चुका है। कहां से भाई, टोटल कितना किलोमीटर था यहां से, एक सेकंड लेट मी सर्च माय होम। यहां से भाई अपना होम था 16 किलोमीटर, तो 16 किलोमीटर 13 मिनट में पहुंच गए, तो अच्छा खासा स्पीड में पहुंच गए गाइज। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब आरसी की वीडियो जिसने बोली थी कि नहीं आ रही है, या फिर आरसी की वीडियो देख लो, देखोगे तो ये लो भाई देख ही लो। चलो अब तुम्हारी बात सुन ले। चलो आज का वीडियो यहीं पर करते हैं। एंड गाइज मेरे लिए एक ज़रूर शेयर कर देना, अपने भाई के लिए एक लाइक और अपने चैनल के लिए एक सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।